हेलो, नमस्कार एंड राम राम। आज हम करेंगे कैलकुलस पे कुछ वार्तालाप। देखो, 11th में आने वाला हर एक स्टूडेंट थोड़ा सा रहता परेशान। यार, अब ये कौन सी नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी? नहीं, डरने का नहीं, कॉन्सेप्ट नया है, हम भी तो बॉस हैं, सीख के रहेंगे। देखो, जैसे ही तुम 11th की फिजिक्स में स्टार्ट करोगे या फिर मैथ अगर लियो, तो ये चीज़ों से पाला हमेशा पड़ेगा तुम्हारा। कैलकुलस है क्या? कैलकुलस कुछ नहीं, एक टूल है। क्या है टूल? अब ये क्या होता है सर? देखो, मैथमेटिक्स में याद करो, जब तुम छोटे थे तो क्या यूज करते थे? कुछ ऐसा सिंबल यूज करते थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जी हाँ बॉस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो तुम यूज करते थे। फिर बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, तो ज्यादा चीजों को एक साथ ऐड करने के लिए तुमने कौन सा सिंबल का यूज किया? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, किडिंग। और डिवाइड करने के लिए क्या यूज किया? डिवीजन। ठीक है, एसेंस क्या आता था? जब हमें स्टैक्स रखना रहता था, बैकलॉग नहीं छोड़ने का बॉस। बैकलॉग एक दिन छूटेगा तो एडिशन होगा बैकलॉग में, डीपीपी एक दिन नहीं होगी तो सब्ट्रैक्शन होगा। किसमें? तुम्हारे नॉलेज में, प्रैक्टिस में। जैसे जैसे ज्यादा छूटेगा वैसे वैसे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। इसलिए लेक्चर्स नहीं छोड़ना है और डीपीपी। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम चीजों को बढ़ते बढ़ते हुए रखते हैं, ठीक है, एडअप्स होते हैं, हमारे स्कोर से एडअप हो रहे हैं, धीरे धीरे एडअप हो रहे हैं, एडिशन बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या यूज करते थे? एडिशन, नॉर्मल। ठीक है, बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे आ रहे हैं, जिसको हम नॉर्मल एडिशन से काम नहीं चला सकते, तो हम क्या यूज करते थे? मल्टीप्लीकेशन। सिमिलर इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो अब ये इसकी जरूरत कहां पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी हमें रेगुलर मैथमेटिक्स में। एक सिंपल सा केस देता हूं तुम्हें। लेट्स से अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बना, ठीक है, इसका साइड ए है और इसका भी साइड ए है। अभी सही है, टीनी। ठीक है, अभी सही है। तो इसको तुम बोलोगे स्क्वायर। छोटा सा केस है, समझना, फील नहीं हुआ तो बोलना बॉस, स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो तुम कह दोगे साइड इनटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। ठीक है बॉस, ये समझ में आ गया। तो कैलकुलस का कहां यूज है? देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। रेगुलर सरफेस का एरिया हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेट्स से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसका एरिया निकालो, इस पत्ती का, पत्ती लग रही है, वाह सर क्या ड्राइंग है, सही है, इसका एरिया निकालो। सर्कल भी नहीं है, एक कोई रेगुलर फिगर नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? याद है बचपन में जब पेंट करते थे तुम, पेंटिंग कंप्यूटर पे, तो जब इसको जूम आउट करोगे, जूम करोगे तो देखोगे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स पिक्सल्स में ऐसे ऐसे बने हैं। ठीक है, हमारे पास वहीं से दिमाग आया, मतलब बहुत पहले की बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे रिलेट कर सकते हो। मोबाइल स्क्रीन में भी जो भी तुम्हारे पिक्सल्स होंगे उसमें बहुत छोटे छोटे जो भी इमेजेस होंगी वहां पे बहुत ही छोटे छोटे स्क्वायर के होंगे, सर्कुलर गोल गोल पिक्सल्स होंगे। वहीं का एक प्रॉपर तरीका कह सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या किया कि यार इसका तो हमें एरिया नहीं पता है, कैसे पता करें? एक काम करते हैं, वी नो द एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर कोई भी रेगुलर फिगर मान लो, और हम इसको छोटे छोटे ट्रिप्स में कट कर दें, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे। एक्चुअली अब थोड़ा सा और छोटा करेंगे, मीन समझ रहे हो, और हम इसको एकदम बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर दिए, जहां पे जिस लेवल पे कट किए उसका हमें क्या पता है? साइड पता है। लेट्स से यहां से एक स्क्वायर निकालें और इसका हमें डायमेंशन पता है, और हमने क्या किया, इस डायमेंशन का यूज करके ये कितनी जगह फैला हुआ है उस पूरे का एरिया निकाल लिया। ठीक है, आवाज आ रही है, बोल्ड प्रॉपर दिख रहा है, लेट मी चेक। वाह 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 वाह, समझ में आया। हमने क्या किया, एक तरीका अपनाया, हम कहें कि भैया रेगुलर का शेप हमें पता है, इसको बहुत ही छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक कर दें किसी रेगुलर शेप में, और फिर कलेक्टिव सारे पीसेज को ऐड कर दें तो मिल जाएगा एरिया। ठीक है, तो कैलकुलस के दो टूल, एक है डिफरेंशिएशन
ठीक है, डिफरेंशिएशन इज सिमिलर, लगभग सिमिलर टू दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, और दूसरा है क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकता, जोड़ देना। ठीक है, तो किसी भी चीज को, किसी भी एंटिटी को, किसी भी फिजिकल फिनोमिना फंक्शन, किसी भी चीज को जब हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, तो डेट विल बी कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स पे जो हम एनालिसिस किए हैं सबको इकट्ठा कर देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर हुआ। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, लेट्स से कि तुमने देखा होगा अगर तुम बाइक से ट्रेवल करते हुए जाते हो, ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो उसमें एक स्पीडोमीटर चलता है, ये बहुत क्लासिकल सा एग्जांपल है, स्पीडोमीटर चलता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, तुम्हारी हर एक मोमेंट की पल, हर एक पल की स्पीड बताता है। ठीक है, हर एक मोमेंट की स्पीड बताता है, हर एक सेकंड पे स्पीड बताता है। उसने क्या किया, लेट से अगर हम बोल रहे हैं कि दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई पता नहीं मुझे कितना किलोमीटर है, 700 मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा बोला कि सर दिल्ली से मुंबई आने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बोल दिया कि भैया 8 घंटे लगे मुझे, मुझे 8 आवर्स लगे, एवरेज बातें चल रही है, 8 घंटे लगे, उसमें मैंने बैठ के खाया होगा, आराम किया होगा, मौज मस्ती की होगी, बहुत सारा कुछ किया होगा। ठीक है, 8 घंटे अगर इसकी स्पीड निकालो, यहां से स्पीड निकालो, इसको 7 आवर्स कर लो, आसान रहेगा। ठीक है, तो 700/7, ठीक है, कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे मैंने चला। ये तो बात हो गई कि कोई ओ हो 100 की स्पीड धूम मचा ले, चल लो सर 100 की स्पीड पे चल लो, क्या मैं ओवरऑल जर्नी में 100 की ही स्पीड पे चल रहा हूं, नहीं, ताऊ आ गए होंगे, हलक बाहर आ गई होगी, मैं गाड़ी रोका होऊंगा, ब्रेकर आ गए होंगे, मैं किया होऊंगा। ठीक है, बहुत ही ऐसी चीजें की होंगी जहां पे मेरी परमानेंट स्पीड 100 नहीं थी। तो फिर स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, स्पीडोमीटर इस 700 की डिस्टेंस को, इस 700 की डिस्टेंस को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हर एक सेकंड की हमें क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। स्पीड कैसे बताएगा, रेट से। रेट मींस कि उस डिस्टेंस को एक बहुत ही छोटे छोटे एंटिटी में डिवाइड कर दिया। देखा, डिवीजन जहां भी आया वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब कलेक्टिवली इसको हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, जो कि एवरेज से दे रहा है, सिंपल। ठीक है, अब आई थिंक एसेंस समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा बॉस, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलस के बारे में और अच्छी चीजें जानने के लिए। थैंक यू।